गुड मॉर्निंग सभी को। ये है हमारा छोटा सा ब्लॉग सुबह मॉर्निंग की रूटीन। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। और चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं हम मतलब सुबह से अपने दिन की स्टार्ट कैसे करते हैं। तो इधर मैंने बिस्तर को झाड़ दिया था अच्छे से, और पूरा बिस्तर जो है ना मैंने समेट दिया था, तय लगा के रख दिया था, और मैंने सारा साफ़ कर दिया बेड और कमरे वगैरह मतलब अच्छे से साफ़ कर दिए थे। और ठंडी का मौसम है तो ये चटाई बिछा देती हूँ, क्योंकि बच्चे नंगे पैर घूमते हैं तो ठंडा ना लग जाए। और इन बंदर जी की देखिए कैसे मुदक रहे हैं। सर्दी तो बहुत काफ़ी तेज़ है, आप लोग जानते होंगे। आप लोगों के यहाँ कितनी तेज़ सर्दी है बताइएगा, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दी है। तो इधर मतलब मैं अब लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी। पहले मैं मतलब कमरे को अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, पीछे कमरे में मैंने झाड़ू लगा दिया है, और अब मैं इस कमरे में लगाऊंगी। तो आप लोग बने रहिए और वीडियो फुल वॉच करते रहिए। इधर मैंने मतलब कमरे में झाड़ू लगा दिया था, अब मैं इसको जो कचड़े को ना बाहर तक ले जाऊंगी। तो ये बच्चे हैं, टॉफ़ी वगैरह खाते रहते हैं, और जो भी खाते हैं वो सारा कमरे में डाल देते हैं। तो उसी का मतलब ये पन्नी वगैरह था काफ़ी, तो मैंने उन्हीं को उठा लिया था हाथ में, एक पन्नी में भर लिया था, ताकि मतलब बाकी तो मिट्टी वगैरह तो होती नहीं है क्योंकि ऊपर है, इतना मिट्टी नहीं होता है। बाकी ये बच्चे लोग ही मतलब वो कर देते हैं कचड़ा। और चलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ, इन्जॉय करते रहिए। इधर मैं आप पहुंच गई थी गली में, कमरा वगैरह साफ़ कर दिया था झाड़ू लगा के, और अब मैं लगा रही हूँ गली में। तो आप लोगों को मेरा ये मतलब घर का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे। और ये सुबह डेली का रूटीन है मेरा, मतलब सुबह एकदम धूप आ जाती है, थोड़ा थोड़ा धूप दिख रहा है आप लोगों को, पर मैं सुबह उठते इसी तरीके से अपनी मॉर्निंग की स्टार्ट कर मतलब दिन स्टार्ट करती हूँ। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके मुझे। तो इधर मैंने झाड़ू लगा दिया था, और मैं ले आई हूँ बाथरूम से बाल्टी, और मतलब इसको मैं पानी गर्म करने के लिए लगा देती हूँ राड को। और इधर मैं लाई हूँ पोछा लगाने के लिए भी पानी। तो अब मैं मतलब कमरे में पोछा लगा देती हूँ, मतलब सारे कमरों में पोछा लगा दूँगी। तो ये सुबह सुबह मैं मतलब डेली उठ के मेरा यही काम रहता है, तो कमरे से पोछा लगा के पूरा मतलब साफ सुफ करूँगी, और उसके बाद में नहाऊँगी।
कमरे में पोछा लगा के ले आई थी और सारे कमरों में लगा दिया था मैंने। गली में लगा रही थी वहाँ इधर, मतलब लगाते हुए मैं पूरा घर अच्छे से साफ कर दी हूँ और चली जाऊँगी अभी पोछा लगा के नहाने। तो इधर मैं नहा के आ गई थी और करने बैठ गई थी पूजा, तो इधर मैं पूजा कर लेती हूँ। तो ये मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पाई थी, थोड़ा सा ही सूट की थी जो भी मतलब किया था, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो सुबह मतलब 8:30-9 बजे का टाइम था। तो आप लोगों का हमारा तरीका कैसा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इधर मैं पूजा कर रही थी और धूप बत्ती वगैरह जला रही थी और दिया मैंने जला दिया है। तो हमारे यहाँ पे पहले दिया जलाते हैं, उसके बाद में धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी जलाना हो आप लोगों को तो जलाते हैं। और मैं मतलब थोड़ा बहुत आरती भी की थी पर वो मैंने नहीं इसमें दिया, क्योंकि वो वैसे था तो बाहर गाड़ी में गाना वगैरह बज रहा था तो गाना उसमें आ गया था तो कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैंने नहीं मतलब वो आवाज़ हटा दी है, वॉइस आवाज़ ऊपर से मतलब की है। तो इधर मैं अब लगा देती हूँ सभी को सिंदूर और जो चंदन वगैरह जो भी बोलते हैं आप लोग, तो मैं सिंदूर लगा रही हूँ, चंदन मैं डेली नहीं लगाती हूँ। तो और अब मैं आरती दिखा देती हूँ और साथ में यहाँ मतलब आरती भी कह रही थी पर वो क्या बोलते हैं गाने वगैरह की बहुत आवाज़ आ रही थी इसलिए फिर मैंने उसको म्यूट कर दिया। तो इधर हमारी पूजा हो चुकी थी और मैं मतलब जो देवी देवता हैं वो घंटी बजाने से आरती करने से जाग जाते हैं तो उनको समाप्त करते हैं मतलब पानी वो चढ़ा के वैसे। तो इधर मैं मतलब माथा टेक रही थी ज़मीन में भगवान को। तो हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा आप लोग। और इधर मतलब जो भगवान के चरणों में जो सिंदूर चढ़ा होता है उसको उठा के अपने सिंदूर और मस्तक पे लगाते हैं हमारे यहाँ। तो ये जो गणपति की मूर्ति है ये इसमें मतलब वहाँ पे धूप रखते हैं तो धुआं बन के निकलता है, ये आप लोग देख लीजिए ऐसे लगता है जैसे पानी बह रहा है, तो ये पानी नहीं है ये धूप का नीचे से धुआँ निकलता है तो एकदम वाइट कलर का दिखता है पूरा, अच्छा लगता है, ऐसे लगता है नदी जैसे शिव के जटाओं से नहीं गंगा बहाती हैं उस तरीके से दिखता है, तो बहुत सुंदर लगता है ये देखकर। तो आप लोगों को ये कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा आप लोग। और बाकी ये जो नीचे आ रहा है पूरा धुआं का वो बना हुआ है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मतलब ये लाइक ज़रूर कीजिएगा। और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस यही छोटा सा ब्लॉग था मेरा सुबह का रूटीन, मैं नहा ली हूँ और अब मैं बनाऊँगी नाश्ता, फिर मैं नाश्ता करूँगी और फिर उसके बाद में दोपहर का खाना। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।